जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। आज की हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम डेली करंट अफेयर की एक ये सीरीज चला रहे हैं जो देव सीरीज है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की सभी एग्जाम के अंदर आने वाले डेली करंट अफेयर हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, चाहे वो आपका इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर आपकी CRPF, CISF, BSF, SSB, ITBP इनके एग्ज़ाम, इसके बाद में आपका जो एयरफोर्स नेवी हो, इसके अलावा सेंट्रल पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, और इसके साथ ही साथ राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम और अदर स्टेट का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम, जहाँ से करंट के अगर क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप ज़रूर इस सीरीज से जुड़े। तो हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। बने रहिए आप इसके लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक, और जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया? तो कृषि क्षेत्र के अंदर हाल ही के अंदर सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है भारत और चिली के बीच में। किसके बीच में? भारत और चिली देश, इन दोनों के बीच में कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है, ये कौन से दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये चालू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। कहाँ के? भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो चेतन शर्मा ने। किसने दिया है? चेतन शर्मा ने हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो छठे चरण का शुभारंभ करने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिन्होंने सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठे चरण का इन्होंने शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ के हैं मुख्यमंत्री और कहाँ पे इन्होंने किया है? तो ये गुजरात के हैं और गुजरात के अंदर किया है। इसका उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना एवं वर्षा के जल का अधिक सेवन करना, यानी कि जो भूजल स्तर है इसको बढ़ाना, इसका दोहन है वो कम करना, ताकि भूजल का जो स्तर है वो बढ़े और वर्षा का जो जल है इसका अधिक से अधिक सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर होगा, दिव्य कला मेला 2023 मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन बने हैं? ये नीलम मोहन बने हैं हाल ही में भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO, नीलम मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 फरवरी को मनाया गया। अगर आपको पूछे वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया, 17 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, यानी कि 20वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया है। नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है और ये कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे, तुलसीदास बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विदेश मंत्री SJ ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये फिजी के अंदर किया है। SJ जो विदेश मंत्री है, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? फिजी देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो बेंगलुरु जो शहर है कर्नाटक का, ये दूसरा सबसे धीमा ड्राइव करने वाला शहर है
और आप फर्स्ट नंबर पर कौन है ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, नहीं तो मैं आपको आंसर दूंगा इसका कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो मुख्य सूचना आयुक्त है इनके रूप में नियुक्त किया है पूर्व DGP वीरेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, यानी कि भारत के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम से अंतिम और सेकंड अंतिम, ये वाले क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका ज़रूर ध्यान रखें। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 5 तक आप ज़रूर याद रखें इनको। तो पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और हमारी आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र में, यानी कि 62वें 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया है? भारत को, यानी कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। किसकी अध्यक्षता मिली है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्षता करने का भारत को सौभाग्य मिला है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, तो आप उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा, इनमें से एक भी आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसी सीरीज से ज़रूर जुड़ें, आप डेली इस सीरीज को ज्वाइन करें। और आपको ये सीरीज कब चाहिए आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मॉर्निंग टाइम में या दोपहर या शाम के टाइम में, तो उसी हिसाब से मैं ये आपके सीरीज लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।